वेलकम फ्रेंड्स, पार्ट नाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने आया हूँ लेकर, और ये कंसेप्ट आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख लीजिए क्या करना है इसके अंदर। मैं आपको क्वेश्चन से बता देता हूँ। पहले फाइंड लास्ट 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, ठीक है। आपको पीछे से 20th नंबर का टर्म ढूंढना है। इट मीन्स हमारा एन है वो हो गया है 20, आपको ए एन ढूंढना है, ठीक है। इट मीन्स आपको ए 20 ढूंढना है कितना होगा। आपको यहां से वैल्यू मिल गई 20, मतलब एन की वैल्यू 20 है, और एक कंडीशन डाली है फ्रॉम लास्ट टर्म, मतलब आपको पीछे से 20 नंबर पे कौन सा टर्म होगा वो आपको ढूंढना है। तो पहले तो मैं ये सीरीज को थोड़ा सा सिक्वेंस में लिख लेता हूँ, क्योंकि आप पीछे से काउंटिंग करोगे तो पीछे का जो लास्ट टर्म है वो आपका फर्स्ट टर्म बन जाएगा, राइट। तो अभी देखो ये आपका ए बन गया, राइट, और ये आप देख सकते हो कितना डिफरेंस आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंस आपका आ रहा है 5 का, राइट। 3 और 8 को माइनस करोगे तो कितना आपको डिफरेंस कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, राइट। अब आपको अभी भी पीछे से कोई टर्म ढूंढने के लिए बोला जाए तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, ए 20 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला था, राइट। अब ए 20 इज इक्वल टू हमें ढूंढना है ए प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। ए 20 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, 253 आया था, प्लस ये 19 इंटू डी, राइट। अब ए 20 आपको ढूंढना है तो 253 प्लस 19 इंटू डी की वैल्यू 5। अब 253 95 ए 20 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, 9 प्लस 3 14, कैरी गया 1 348। अभी आप सोचोगे सर ये आंसर कैसे आ रहा है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, आप जनरली ऐसा करके आ जाते हो एग्जाम के अंदर। आपको क्या करना है कि जब भी आपको पीछे से लास्ट टर्म ढूंढने की कोशिश करते हो तो आपको एक जैसे आप जनरली आप ऐसा करके आ जाओगे, राइट, क्योंकि आपको ऐसे सिखाया गया अभी तक। बट आपको जब भी पीछे से लास्ट टर्म ढूंढने के लिए बोला जाए तो आपको यही क्वेश्चन में एक चेंज करना है यहाँ पे, क्योंकि आप लास्ट से काउंटिंग कर रहे हो तो आपको ये प्लस हटा के माइनस लगाना होगा। अब मैं आपको देखो करेक्ट सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ। मुझे ए 20 ढूंढना था, राइट, तो ए एन माइनस 1 इंटू डी, राइट। अब ए 20 चाहिए तो ए कितना था मेरा, ए था मेरा 253 माइनस एन था 20 था, तो ये कितना हो जाएगा 90 इंटू डी की वैल्यू कितनी थी 5, राइट। अब ए 20 इज इक्वल टू 253 माइनस 95। अब ए 20 इज इक्वल टू 253 माइनस 95 करो आप, कितना होगा 13, ये आ गया 8, ये 4, 14, ये आ गया 5, कैरी गया 1, 158, ठीक है। तो मैंने आपको बताया पहले कि आप कहाँ गलती कर जाओगे और कहाँ फंस जाओगे, तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। जब भी आपको पीछे से लास्ट टर्म ढूंढने के लिए बोला जाए तो आपको यहाँ पे माइनस करना होगा, ठीक है। आई बात समझ में, तो मिलते हैं पार्ट 10 के अंदर एक नए क्वेश्चन के साथ। मेरे सारे वीडियोस देखिए, फिर या प्रैक्टिस कीजिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन काफी इजी है, प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए, ठीक है। ओके, मिलते हैं पार्ट 10 के अंदर।